तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब गाइज। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना पुश वर्कआउट रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कआउट शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे और थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए बेसिकली आप हम पुश वर्कआउट कर रहे हैं तो हमको पुश मसल्स को स्ट्रेच करना है, जैसे कि चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। थोड़े से शोल्डर रोटेशंस लगाओ, थोड़े से चेस्ट को स्ट्रेच करो जिससे कि थोड़ा मसल खुल जाए। और पुश मसल को वार्म करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। 3 से 4 सेट लगाएंगे, 10 से 12 रैप। इस पुश वर्कआउट के अंदर हम सबसे पहला वर्कआउट परफॉर्म करेंगे अपनी चेस्ट के लिए, और चेस्ट के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज हम लगाने वाले हैं बेंच प्रेस। और इस एक्सरसाइज के पहले सेट में आपको निकालने 15 रैप, तो उस हिसाब से आप वेट को लगा लो। ये ध्यान रखना कि फॉर्म आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। एसेंट्रिक मोशन में बिल्कुल धीरे लेके आओ और कॉन्ट्रैक्ट, धीरे पुश, धीरे पुश, ऐसे करके आपको 15 रैप निकालने। जैसे ही 15 रैप आपसे हो जाएंगे उसके बाद आप 30 to 1 मिनट का रेस्ट लो, 30 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट लो, और उसके बाद वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करो, फिर 12 रैप निकालो, उसके बाद अगेन 1 मिनट का रेस्ट लो, फिर 10 रैप निकालो, फिर 8 रैप निकालो। ऐसे करते हुए आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। चेस्ट के लिए दूसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस। बेसिकली आपकी इंक्लाइन चेस्ट को स्टिम्युलेट करने के लिए बहुत परफेक्ट एक्सरसाइज है। हम यहाँ पे डंबल से परफॉर्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। एक ऐसा डंबल चूज करो जिस पे 12 रैप आए। स्क्वीज स्लो रिलीज, स्क्वीज स्लो रिलीज, स्क्वीज स्लो रिलीज। फॉर्म का ध्यान रखना, ऐसे ही लगाने जैसे मैं इस आपको दिखा रहा हूँ। पहले सेट में 12 रैप, फिर अगेन 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, फिर 10 रैप, फिर अगेन वेट को इंक्रीज करेंगे 8 रैप। ऐसे करते हुए आपको वेट को थोड़ी देर बढ़ाना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे अपनी इनर चेस्ट को स्टिम्युलेट करने के लिए बटरफ्लाई। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आपके चेस्ट में डेफिनेशन भी लेके आती है। तो एक डिसेंट सा वेट लगा लो जिस पे 15 रैप आए, और यहाँ पे लाओ। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करने से टेंशन खत्म हो जाएगी, इसलिए हमेशा एक गैप बना के रखना और ज़्यादा पीछे लेके नहीं आना, बस इतना ही लेके आओ। शोल्डर के बिल्कुल आगे रखो और बूम, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज। और दूसरी चीज़, आपके शोल्डर रिट्रैक्ट रहना चाहिए, पीछे लगे रहने चाहिए। ज़्यादातर लोग शोल्डर को आगे कर देते हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए, ये गलत तरीका है। शोल्डर रिट्रैक्ट करो, चेस्ट अप और स्क्वीज, स्क्वीज, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ और 15 रैप निकालो। 2 से 3 सेट परफॉर्म करेंगे 12, 10, 8 के। दोस्तों अब हम ट्रेन करेंगे अपने शोल्डर मसल को, और शोल्डर के लिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज लगाएंगे शोल्डर प्रेसेस। शोल्डर प्रेसेस आपके फ्रंट डेल को टारगेट करती है, तो एक ऐसा वेट चूज कर लो जिस पे 12 रैप आए, और इसके भी हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे 12, 10, 8 के। धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज करना है, हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे साइड डेल्ट रेजेस। ये बेसिकली आपके साइड डेल्ट को टारगेट करेगी। इसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, हैवी वेट के चक्कर में गलत फॉर्म लगा के रखते हैं, जिससे हमारे ट्राइसेप जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये गलती नहीं करनी। पहली बात तो आपको अपने पैरों से थोड़ा सा गैप बना के रखना है, यहाँ से टेंशन जो है स्टार्ट होगी मसल की। उसके बाद यहाँ से अप और रिलीज, अप रिलीज, ऊपर जाके थोड़ा होल्ड करो, स्क्वीज करो मसल को, रिलीज। ऐसे करके 20 रैप निकालो पहले सेट में, दूसरे सेट में वेट बढ़ाओ 15 रैप, फिर तीसरे सेट में वेट बढ़ाओ फिर 12 रैप। ऐसे करके हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे इस एक्सरसाइज के। मूव ऑन करते हैं थर्ड एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज हम लगाएंगे अपने रियर डेल्ट्स की। रियर डेल्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शोल्डर मसल का, और काफ़ी लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं। हम लगाएंगे रियर डेल्ट मशीन के ऊपर रियर डेल्ट फ्लाइज। एक डिसेंट सा वेट लगा लो जिस पे कम से कम आपसे 20 रैप आए, और चेस्ट को लगा के पुश। पहले सेट में 20 रैप, फिर वेट को हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे 15 रैप, फिर दोबारा हम वेट को बढ़ाएंगे फिर 12 रैप। ऐसे करके हमें 3 सेट परफॉर्म करने हैं, हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट रहेगा। मूव ऑन करते हैं अपने ट्राइसेप मसल के ऊपर। अब दोस्तों हम हर मसल की 3-3 एक्सरसाइज इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि पुश मसल के अंदर 3 मसल आते हैं, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। अगर हम किसी भी मसल की ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो हम दूसरे मसल को उतनी अच्छी तरह स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे, और आपके लिए 3 एक्सरसाइज इनफ होती है अगर आप ढंग से परफॉर्म करोगे तो। ट्राइसेप के लिए पहली एक्सरसाइज हम लगाएंगे रोप ट्राइसेप पुश डाउन। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। एक ऐसा वेट लगा लो जिसमें 15 रैप आए पहले सेट में। एल्बोज अंदर टक करो, हिप्स थोड़े से पीछे एक्सटेंड, एक्सटेंड, एक्सटेंड। ऐसे करके 15 रैप निकालने हैं। दूसरे सेट में वेट को बढ़ाएंगे 12 रैप निकालेंगे, तीसरे सेट में वेट को बढ़ाएंगे 10 रैप निकालेंगे। हर सेट के बाद हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। ट्राइसेप के लिए हम दूसरी एक्सरसाइज लगाएंगे
किकबैक्स, डंबल किकबैक्स आपके ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी, जिससे आपका जो ट्राइसेप है वो रेस्टिंग स्टेज में भी बड़ा दिखेगा। एक लाइट वेट चूज करो और बॉडी को स्टेबल रखते हुए बैंड होके एल्बोस को ऊपर खींच के एक्सटेंड ऐसे करके हम पहले सेट में 15 रैप निकालेंगे। फिर वेट को अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, फिर 12 रैप, फिर अगेन थर्ड सेट में 12 रैप, 15, 12, 12 के तीन सेट लगाएंगे और हर सेट के बाद एक मिनट का आपका रेस्ट रहेगा। मूव ऑन करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे। अब दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे पैरेलल बार डिप्स। सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आपके पुश मसल को टारगेट करेगी, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप तीनों मसल को टारगेट करेगी। हमें इसको बस बॉडी वेट लगाना है और हम इतने रैप लगाएंगे जितने हमसे सही फॉर्म से निकले। मिनिमम कोशिश करनी है 8 रैप तो आ ही जाए, नीचे जाओगे बिल्कुल स्लो लेके जाना है। ये एक्सरसाइज आपके तीनों मसल को टारगेट करेगी। ये बेसिकली हमारी लास्ट एक्सरसाइज है पुश एक्सरसाइजेस की। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है अपने पुश डे के अंदर। अगर आपको कंटेंट पसंद आया कंटेंट को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।